हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन, रचनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक टू मेक एंड इजी टू मेक रेसिपी, जो कि है ब्रेड पिज्जा की रेसिपी। सभी बच्चों की फेवरेट है, बच्चों की क्या, मैं तो कहती हूँ बड़ों की भी बहुत फेवरेट है, एटलीस्ट मेरी तो बहुत फेवरेट है। कुछ भी नहीं खाने का मन हो ना तो ब्रेड पिज्जा बना लीजिए, मजेदार पिज्जा लगता है, बहुत मजा आता है बनाने में भी और खाने में भी। पर आपको एक बात बताऊं, इस पिज्जा में मैं सब कुछ रेडीमेड ले रही हूँ, घर पे कुछ भी नहीं बना रही, यहाँ तक कि मैंने चीज को भी ग्रेट नहीं किया, क्योंकि बच्चों को भी बनाने दीजिए ना कभी, क्योंकि अगर हम चीज ग्रेट करने जाते हैं तो हमें डर लगता है कि बच्चे ने हाथ काट लेंगे, इसलिए मैंने चीज ग्रेट करने का जो बॉदरेशन होता है ना वो ही छोड़ दिया इस रेसिपी में। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, अनियन वो भी मैंने बारीक काट के रखा था, हम इसमें चीज स्लाइस लेंगे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पिज्जा टॉपिंग। ये मार्केट बॉट पिज्जा टॉपिंग है, इजीली ग्रोसरी शॉप में अवेलेबल होती है। और अब आइए हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो ब्रेड को टोस्टर में टोस्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा इसे टोस्ट नहीं करेंगे, इसको बस स्लाइट टोस्ट करेंगे। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, मल्टीग्रेन भी यूज कर सकते हैं, जो भी ब्रेड आप खाते हैं वो ले सकते हैं। और हमारा जो ब्रेड है वो स्लाइट टोस्ट हो चुका है। अब इस पे मैं लगाऊंगी सबसे पहले बटर, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं खास तौर पे, तो बटर का आप यूज अच्छे से कर सकते हैं। बटर लगाने के बाद हम स्प्रेड करेंगे पिज्जा टॉपिंग। ये पिज्जा टॉपिंग थोड़ी सी मीठी होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। प्याज मैंने डाइस की हुई है छोटे छोटे पीसेस में, आप चाहे तो लंबा भी इसे कट कर सकते हैं, और प्याज इस तरह से पूरे ब्रेड पे फैला देंगे। और अब हम डालेंगे कैप्सिकम, मैंने ग्रीन कैप्सिकम लिए है, आप चाहे तो रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ऑलिव्स, जो भी वेजीज आपको पसंद है, या टमाटो छोटे छोटे कट करके वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। और इस ब्रेड पिज्जा बनाने में मैं यूज कर रही हूँ चीज स्लाइस, आप चाहें प्रोसेस चीज ग्रेट करके या मोजरेला चीज ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। आज जो हम पिज्जा बना रहे हैं वो माइक्रोवेव में बना रहे हैं। सबसे पहले हम माइक्रो को सेट करेंगे ग्रिल पे और 3 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। 3 मिनट से ज्यादा ब्रेड पिज्जा को नहीं लगेंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, माइक्रो ने भी हमें आवाज लगा दी है। तो आइए देखिए पिज्जा की क्या कंडीशन है। वाह, हमारा पिज्जा तो रेडी है, ये इंस्टेंट पिज्जा है। और मैं जब भी बच्चे पिज्जा बोलते हैं और ये सभी चीजें घर पे अवेलेबल होती हैं, तो मैं ब्रेड पिज्जा फटाफट से बना देती हूँ। आपने देखा ना, हमें चीज को ग्रेट करने की जरूरत पड़ी, ना ही हमने बनाया पिज्जा टॉपिंग घर पे, जो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो इंस्टेंट ब्रेड पिज्जा रेडी है फ्रेंड्स। आई होप आप ये पिज्जा जरूर अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे, और ये वीडियो भी उनको जरूर दिखाइएगा, सो दैट वो भी आपकी हेल्प कर सके बनाने में पिज्जा को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही सुपर इजी, सुपर ऑसम और सुपर डिलीशियस रेसिपीज का आनंद आप ले सकें। और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को भी, ताकि जितने भी न्यू वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।